नमस्कार, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बांदा में हर घर नल से हर घर जल परियोजना की समीक्षा करने बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस में अधिकारियों संघ की बैठक और परियोजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद खटान परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। संपर्क क्रांति से जुड़े उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अधिकारियों संघ बैठक कर परियोजना में तेजी लाने और गाँवों में अमृत सरोवर बनवाने के लिए निर्देश भी दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार का बुंदेलखंड के विकास को लेकर विशेष रुचि है। हमारी सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला। पहले महिलाएं खुले में शौच जाती थी, परंतु हमारी सरकार हर घर शौचालय बनवाने और बुंदेलखंड के समस्त गांवों के हर घर पर 2022 तक शुद्ध जल पहुंचने लगेगा। इसके बाद कमासीन विकास खंड क्षेत्र के खटान गांव में बन रहे इंटेक का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री जी, आज आप भूजल चौपाल में शामिल हुए हैं, इसके अलावा आपने स्थलीय निरीक्षण भी किया है जल जीवन मिशन के तहत। राजेश जी के द्वारा हमारे पूरे जिलाध्यक्ष जो चौपाल करते हैं जल को लेकर बुंदेल है, और ऐसे लोग जो जल पर काम करने वाले ऐसे जल योद्धा का सम्मान करते हैं। मैं देखा पटना से लेकर भोपाल से लेकर छतर अन्य राज्यों से लोग भी आए हैं, वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी आज सीखने आया था, लोग बोल रहे थे, अनुभूति में करने आया कि लोग जो सुझाव दे रहे हैं उसको अपने विभाग में कैसे पालन कर सकते हैं। ये वास्तव में आज मोदी जी का जो सपना है महिलाओं को खुशहाल रखने का, धुएं से मुक्ति दिया, जिस प्रकार धुएं के महिलाएं बीमार बैठे थे उससे धुएं से मुक्ति का गैस का उज्ज्वला योजना देखा। आज पानी का संकट महिला देने के लिए किलोमीटर पहले पानी देखा, संकट बेहद 2019 में लाल किला से बोला मैं सभी के घरों में जल जीवन मिशन का शुरुआत और संकल्प किया कि सभी घरों में बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 2022 तक सभी के घरों में जल पहुँचाने का संकल्प। तेजी आज भी मैं दौड़ा करके आया और जून से पानी देना शुरू कर दिया। स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी और सभी घरों में पानी पहुँचाने का संकल्प लगता है 100% उसको पूरा धीरे धीरे और खेत के टेल तक भी लोगों को पानी पहुँचे। और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, बरसात के समय खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, जल संचय लोग करें और मेड़ पर वृक्षारोपण करें, मेड़ पर पौधे लगाएं, तालाब को सुरक्षित करें और प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर कैसे बन सकता है सभी को बनाना चाहिए। और कुआँ है, नदी है, तालाब है, इसको जिंदा रखें, इसको सुरक्षित रखें और गांव के लोग एक जन आंदोलन बनना चाहिए। इस काम में सभी को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, इसी आधार पर विभाग काम करना चाहिए। लग रहा है एक बार फिर से बुंदेलखंड हरा भरा होगा पहले की तरह, 100% हरा भरा होगा जो योजना सरकार की चल रही है। बांदा से राहुल द्विवेदी की।